रोशनी की बातों और जयपुर के परकोटे की चर्चा नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है। बेहतर रोशनी के साथ सभी बाजारों के भव्य स्वागत द्वार चर्चा का विषय हैं। अलग अलग थीम पर ये द्वार बनाए गए हैं। इनका जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल भारद्वाज ने। दीपावली के मौके पर इस समय पूरा शहर जगमगाया हुआ है और मैं इस समय खड़ा हूँ छोटी चौपड़ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी मार्केटों के मुख्य द्वार यहाँ बनाए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चांदपोल बाजार व्यापार मंडल की, तो चांदपोल बाजार व्यापार मंडल ने यहाँ भव्य द्वार यहाँ स्वागत द्वार मनाया है और जो गेट के ऊपर जो उन्होंने दर्शाया वो भारत का जल पैरी यानी विक्रांत जहाज को यहाँ दर्शाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाज के अंदर सैनिक खड़े हैं, भारत का झंडा लिए खड़े हैं और ये गेट जो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किशनपोल बाजार की, तो किशनपोल व्यापार मंडल की ओर से भी भव्य गेट यहाँ बनाया गया है और उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो आकृति है वो यहाँ गेट के जरिए लगाई है, डेकोरेशन की है जगन्नाथपुरी की गेट की तरह, और काफ़ी अच्छा गेट यहाँ भव्य द्वार यहाँ जनता के स्वागत के लिए मनाया गया है। उसके बाद मैं आपकी नज़र डालना चाहता हूँ गणगौरी बाजार के मुख्य द्वार पर। गणगौरी बाजार के मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान गणेश को यहाँ विराजमान किया गया और गणगौरी बाजार का जो गेट है वो भी काफ़ी यहाँ भव्य बनाया गया है। इसके बाद बात करें त्रिपोलिया बाजार की तरफ जाने वाले रास्ते की या फिर और के पूरे शहर की, तो पूरा शहर इस समय रोशनी से नहाया हुआ है और पूरे शहर को इस तरीके से सजाया गया है दीपावली के मौके पर। वो अपनी रोशनी काफ़ी समेटे हुए यहाँ पर है और आप देख सकते हैं किस तरीके से शहरवासी जो हैं वो इस त्यौहार के सीजन में अपने घरों से निकल गए हैं और जो विश्व प्रसिद्ध गुलाबी नगर की जो रोशनी है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, व्यंजनों का लुत्फ़ यहाँ उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ डीजी न्यूज़ के लिए मैं राहुल भारद्वाज।